ऑस्ट्रेलिया टीम जो क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर बाप बन के घूमती है, उसको इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरा एक्सपोज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बुमराह उनका अब नाइटमेयर बन गया है। बुमराह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ख्वाबों में आएगा अब नाइटमेयर बन के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो ब्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट के डे फोर का। नहीं आप बोलो, बस फाइनल डे। हाँ, आज ही हो रहा है और यहाँ पर भाई अभी सीन ये चल रहा है। कल तो काम उतर गया था सेंज का और पैट कमिंस का और उनके ओपनर है उनका तो काम उतार दिया था कल आते के। तीन विकेटें ले ली थी। अबे हमने बोला चलो यार विराट की 100 हो गई, अब तो भाई सुबह ही होगा जो होगा, अब तो विकेटें सुबह ही आएंगी। बुमराह ने बोला मैं आसरा नहीं करूंगा और अभी भी सिराज आया, सिराज भाई ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। होकर सिर्फ बैठी थी, ये क्या ख्वाजा चले गया। उस्मान भाई को बोला अब जाके नाश्ता करे, चाय से पिए, अब कहा सुबह सुबह खेलने आ गए यहाँ पे यार। तो भाई अभी 534 रन का टारगेट है, 46 रन ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा ये हेड स्मिथ जो है ये लोग टिक गए अगर तो इनसे ही है भाई, मैं बोल तो रहा हूँ इनके बाद कोई भी नहीं है खेलने वाला, सिर्फ ये दो ही बचे। अगर इन दोनों की आपने पार्टनरशिप अभी ब्रेक कर दी तो आपका मैच बाहर हो जाएगा, पहले सेशन तक खत्म हो जाएगा मैच। लेकिन अगर ये थोड़ा रुक गए ना तो ये तो नहीं होगा कि ये 534 चेस कर जाएंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि ये कम से कम रन से हारेगा फिर ऑस्ट्रेलिया। कल हमारा संडे जो है, मतलब कल ही नहीं, संडे तो हमारा बेकार ही जाता है। कोई बात ले आओ यार, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, तुम नहीं बताओ तो सही ना। मतलब पड़ोसियों इतना खुश हो रहे हैं, वहाँ पे ऑक्शन चल रहा है, करोड़ों की बारिश हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं अब कल बात करूंगा इस मसले पे कल, ठीक है ना, क्योंकि कल जब तक पाकिस्तान जिम्बाब्वे को नहीं हराएगा वो भी वन साइडेड, मैं आऊंगा नहीं। आप लोग जो करना है भी कर लो। अभी तूने बोला मोबाइल तोड़ूंगा, तूने बोला स्टूडियो तोड़ूंगा, तो कुछ भी नहीं करता। अरे आप छोड़ दो, अभी विराट कोहली की कल सेंचुरी आई है, 81 सेंचुरी आई है, जरा उसकी बातचीत कर लो तो ज्यादा बेहतर है भाई। खतरनाक किस्म से सेंचुरी मारी है, जिम्बाब्वे का जिक्र जो लाएगा मैं बात घुमा दूंगा। ये टुल्ले को आउट कर दो, ये खतरा बन सकता है। सही बता रहा हूँ, और अच्छा भी खेल रहा है भाई, जो बात है। और ये जिसके साथ खड़ा हुआ है ना स्मिथ के साथ, ये वो भी भाई खतरनाक बन रहा है, पार्टनरशिप लगाने का मास्टर माना जाता है। चाहिए पार्टनरशिप और ये जल्दी टूटने चाहिए। 61 रन की तो हो गई है भाई, और ट्रेविस हेड तो तेज भी खेल रहा है, कोई टेस्ट मैच की नहीं खेल रहा है। 60 बॉलों पे 44 रन बनाए हुए, 50 के करीब आ रहा है भाई। अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई इनकी पार्टनरशिप को तोड़ना जरूरी है। मैं हूं ना यार, अगर पार्टनरशिप ब्रेक करनी है तो मैं हूं। आप लोग सिराज तो भाई आरसीबी से निकलते ही अच्छी हो गई है भाई, ये सिराज का एग्रेशन और यहाँ पर जो डेंजरस पार्टनरशिप दिख रही थी लगते हुए, देखो चेस तो वो वैसे भी नहीं कर पाते। स्टीव स्मिथ को कर दिया है चलता, और जो बॉल उन्होंने डाला है यार बहुत ही खतरनाक। स्टीव को लगा कि यार बहुत ज्यादा आउटस्विंग होगा तो मैं टच नहीं करता, और उन्होंने टच किया और जाके सीधा ऋषभ पंत के हाथों में। और ट्रेविस हेड अब अकेले रहेगा, देख लो अभी आप दोबारा से तो नहीं बन जाएगा। मिचेल मार्श इसको भी आउट करना जरूरी है, मिचेल मार्श को आउट करो। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लंच तक शायद ऑस्ट्रेलिया सरवाइव, 5 हो गए यार। लंच तक ऑस्ट्रेलिया सरवाइव करी जाएगी, अब लंच के बाद ही होगा जो फैसला होगा। तो भाई तुम ये जो यहाँ बैठ के अंदाजे मार रही हो ना, ट्रेविस हेड 200 कर लेगा, 300 कर लेगा, ये तुम मुझे तो ऐसा लग रहा है आज 200 कर लेगा भाई। देखो अगर चलो मान लिया 200 कर ली, अब मिचेल मार्श आउट हो गया और फिर क्या बॉलर के साथ पार्टनरशिप लगाया, और भाई लंच हो गया है और सेशन तो खैर अच्छा गया है भारत के लिए। मैं अच्छा बोलूंगा ये सेशन बहुत अच्छा गया, क्योंकि 2 विकेट और सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर स्टीव स्मिथ वो भी आउट हो गए, पार्टनरशिप ब्रेक कर दी हेड की। अब हो सकता है लंच के बाद जब आए। अच्छा काफी लोग जो है ना कल लाइव सेशन में जो जिम्बाब्वे से हम हारे हैं, तुम ये बताओ। नहीं तुम ये बताओ, तुमने बोला था प्रेडिक्शन की वीडियो, एक दिन दे सकती हूँ मुझे? नहीं देखो एक दिन नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। तुमने कहा था मोबाइल तोड़ूंगा और स्टूडियो तोड़ूंगा पूरा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देख रहा हूँ, मुझे जिसका इंतजार था वो बुमराह ने करके दिखा दिया है। मतलब ये जो इंडिया को परेशानी से निकालता है बॉलिंग के अंदर वो बुमराह ही होता है भाई। ट्रेविस हेड का विकेट ले गया, ट्रेविस हेड को कक समझ नहीं आई बॉल की कि कहां से बॉल घुसी है, और सीधा ऋषभ पंत के हाथों में। अब तो मेरा ख्याल से टी तक भी मैच नहीं जा रहा, टी से पहले मैच फिनिश है, क्योंकि मिचेल मार्श अकेला क्या कर लेगा, वो खुद हेड के आसरे पे खड़ा हुआ था। मुबारक हो भाई पड़ोसियों को बहुत बहुत। बस अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि भाई 3 विकेटें और लेनी है भारत को तो टेस्ट मैच फर्स्ट जीत जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। मिचेल मार्श को भी जो सेट बैट्समैन का उसको भी भाई चलता कर दिया, और क्या ही बॉल डाला यार इस बंदे ने। आप इसका बॉल देखना कहाँ किया, ये देखो ये मिचेल स्टार्क है ना, इसने जो फर्स्ट इनिंग में लंबी करी थी, अगर इसने अभी करी तो मैं बता रहा हूँ फिर मसला हो जाएगा बहुत खतरनाक, क्योंकि ये इतनी बॉलें रोकेगा अभी, इतनी रोकेगा, उससे पहले पहले विकेट में बॉल डाल दो और इसको आउट कर दो। अभी देखो 8 बॉलें रोक रही है, अभी आया बुमराह परेशान भी लग रहा है मुझे इसी मसले पे, ये लंबी नहीं कर दे। देखो ना बुमराह ने ट्रेविस हेड को किस तरह से आया, ट्रेविस हेड को आउट किया यार, ठीक है। मैं तो खुद देख के मैं तो आराम से लेटा हुआ था, मैंने बोला यार ये अभी टुल्ला आउट नहीं होगा, ये लेगा टाइम। अबे बुमराह ने आउट कर दिया, 100 नहीं होने दी भाई उसकी। आप ये बताओ यार बुमराह की कैप्टनसी मतलब यार इतनी कोई अच्छी गई है, बुमराह
कि यार देखो बुमराह ने ये चीज प्रूव कर दी कि मैं सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लीडर भी बन सकता हूँ। अच्छा तुम ये बात बोलते भी थे कि ना बॉलर्स जो है ना कैप्टनसी जो है बहुत मुश्किल होती है। अभी बॉलर को हमने ये बनाया था शाहीन को, बॉलर को बॉलर का पता होता है, बुमराह का आप देखो कि उसने किस तरह से स्पेल चलाए, हर बॉलर को राइस भी दे रहा है वो और हर बॉलर से अवर भी करा रहा है, खुद भी आ रहा है, खुद भी आ रहा है बीच बीच में ना, आप देखो तो ये बेटा हमने भी बनाया था शाहीन को कप्तान और ऑस्ट्रेलिया भेजा था, याद करो कितना अच्छा जीत कर आए थे बुमराह। आई थिंक वाइड बॉल का कैप्टनसी तो अभी भाई जज रहा है, मतलब वीआईपी कैप्टनसी कर रहा है बॉलिंग के साथ साथ। रोहित शर्मा सेकंड टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे और ये अभी अभी कर रहे हैं, ये कोई पुरानी वीडियो नहीं, अभी ये पीछे पर्द स्टेडियम के जो प्रैक्टिस बने हुए और ये अभी आकर बैठे हैं और बोल रहे हैं यार जब विराट की फॉर्म आ गई और जब सब सेंचुरियां मार रहे हैं जयसवाल कर रहा है तो हम भी अब ये सेकंड टेस्ट में यार अपनी और रोहित शर्मा की सेंचुरी तो धुआं धार होगी और ये बैठे हुए भी है यहाँ पे और बोल रहे हैं यार टेंशन नहीं लो मैं बस शुभमन देखते ना शुभमन भी तो खेलेगा क्योंकि अब 10 दिन का गैप भी आ रहा है, भी हो सकता है अभी रोहित शर्मा बोल रहे टेंशन नहीं लो मैं आगे 100 मार रहा हूँ और यहाँ पर यार ये मैं भी ये जीतने दो, मैंने एक बात सोची हुई है मैं बोलूंगा वॉशिंगटन सुंदर ने भाई वॉशिंगटन ये स्टार कर लंबी कर गया 34 बोले ये ना उसको पकड़ के ये टी से पहले खत्म हो जाता है यार तुझे जब मैं भी क्या बोल रहा था कि भाई इन लोगों का फ्यूचर नहीं है कोई ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करके रख दिया था, जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करके रख दिया था, बैट तो शुरू बैट तो कोई वैसे भी नहीं देता क्या ही कैच पकड़ा था, ध्रुव जुरेली ना भाई क्या ही, अबे जा भाई कौन सा तू 200 मारने के मूड में था, वॉशिंगटन सुंदर की विकेट हुई ना ये देखो दोबारा से दिखा रहे विकेट, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को एक्सपोज किया और इनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मतलब भाई ये बात और तो ये देखो आप कभी मार्च को ये लोग बहुत ज्यादा मतलब वो थे दिमाग इनके ऊपर थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। जब ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था इंडिया का तो उस पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है आपके पास, अबे वही इनएक्सपीरियंस बॉलर बैट्समैन को आउट कर रहे हैं भाई, अब ये चेक करो और कैच ध्रुव जुरेल का, नो डाउट ध्रुव जुरेल ने सीरीज में तो कुछ अभी तक नहीं किया फर्स्ट टेस्ट में लेकिन कैच बड़ा आउट क्लास पकड़ लिया, लंबी लंबी बाउंसर डाल रहा है उस पे कर रहा है भाई डायरेक्ट विकेट टू विकेट बॉल विकेट ही उखाड़ ली भाई बुमराह ने, तो बुमराह ने स्टंप्स अपने हाथ में ले लिए भाई और ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिए अपनी कैप्टेंसी के अंदर, जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं ऑस्ट्रेलिया को रोन के रख दिया है, मतलब रुला दिया है 295 रन से विन किया। अगर आप फर्स्ट इनिंग को हटा के इंडिया की देखो तो जब मोमेंटम इंडिया ने पकड़ा है सेकंड इनिंग में जो उनको ऑल आउट किया था उसके बाद कभी भी किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच जा रहा है, और इस वाले टेस्ट को मैं बोलूंगी कि भाई बॉलर्स का बहुत बड़ा हाथ था, विराट कोहली की बेशक 81 सेंचुरी आई है उसकी भी बड़ी भाई खुशी है लेकिन यशस्वी जायसवाल वो ऐसा खिलाड़ी था भाई जिसने आपको शुरू में एक तो ओपनर आया नया बॉल के साथ खेला है तो देख लो इस बंदे को पैट कमिंस को, मेरा ख्याल से यार आप लोगों को गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए जब पैट कमिंस ने 19 नवंबर को आप लोगों के घर के अंदर घुस के आपको हराया था, आप लोगों ने डबल कर दिया उसके साथ, आप लोगों ने उसको पहले T20 में मारा, पहले T20 में मारा आप लोगों ने उसको, उसके बाद फिर आपने उसके घर के अंदर घुस के जिसका वो शेर बनता था पर्थ के अंदर मेरी कोई बॉल खेल के दिखाओ, आपने हराया नहीं आपने रोन कर रख दिया भाई, इतने बड़े मार्जिन से जीती है 95 रन और ये बंदे, ये दो बंदे 81 सेंचुरी हिट करने वाला चौड़े में चश्मा जसप्रीत बुमराह ऐसे टाइम पे आता है और विकेट लेके चले आता है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अच्छा लास्ट है जब इन्होंने वो उखाड़ ली विकेट है ना, लास्ट नहीं है मतलब लास्ट पार्ट के अंदर ये है और ये पिच पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, नाम लिख के चले गया पैट कमिंस का जसप्रीत बुमराह के भाई तुझे हम अंदर घुस के हरा सकते हैं, अब देखते हैं भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू सेकंड टेस्ट एडिलेड के अंदर होगा, देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया टीम कमबैक कर पाएगी, भाई देखो हमारी बात तो अलग ही है ना, अब हम बोले कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया था जिम्बाब्वे से जाके हार गए, तो मैं खुद भी ये चाहता हूँ पर्सनली कि यार कभी ऐसा वक्त आए कि हमारी टीम भी भाई, इस तरह भाई, से भाई इस... भाई नहीं देखो विराट कोहली को भाई नहीं बनाना चाहिए सो गलत बात है, बात कर रहा होगा कुछ सेंचुरी वगैरह के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम को भी अब चाहिए कि भाई इंडिया से इंस्पायर हो जाए यार, सही बात, इंडिया को ही देख के इस तरह से कमबैक कर ले जिस तरह से इंडिया ने अपनी जर्नी करी है और संडे भी अच्छा गया मंडे भी अच्छा गया।